बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। तो अगर से प्रीवियस लेक्चर की बात की जाए तो उसके अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज का जितना ऑब्जेक्टिव था, कुछ ऑब्जेक्टिव मेंशन था और कुछ हमने एसएलओ बेस ऑब्जेक्टिव खुद से बना के अपने चैनल पे अपलोड किया, तो पहले आपने उसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको आपने कंटिन्यू करना है। अब रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने का मकसद क्या है? अगर आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ, मतलब आप रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप रिव्यू एक्सरसाइज को सिंपल कर लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर की रिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि हम डेली बेसिस पे डिफरेंट सब्जेक्ट की वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर फेडरल बोर्ड की कोई स्कीम आ गई है, कोई गैस पेपर है, कोई मॉडल पेपर है, उन सबको हम सॉल्व करते रहते हैं। उसके अलावा जो पेपर आपको, जिस चीज़ में आपको कन्फ्यूजन है, लेट सपोज आप अपने फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में बुक में आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रही, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हम स्क्रीन पर आए, तो हम बेसिकली आज की वीडियो में क्या डील करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 मैथमेटिक्स की नंबर सिस्टम की रिव्यू एक्सरसाइज को डील करने जा रहे हैं, जो कि एसएलओ बेस के बेस पे हम सॉल्व करेंगे, ताकि वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, वो बेसिकली था एमसीक्यूज बेस्ड, जिसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कवर कर चुके हैं। तो अगर हम एमसीक्यूज नंबर 2 की तरफ आ जाएं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाएं, बेसिकली अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कीजिए, तुम्हारे पास लिखा हुआ कि शो दैट i की पावर n + 1, i की पावर n + 2, i की पावर n + 3 = 0, हमने चीज शो करनी है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास लिखा हुआ कि a मीन उल्टा है फॉर ऑल वैल्यू, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग टू n, कैपिटल n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब इसको फर्दर करते हैं, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे करेंगे, इसको हमने फर्दर सॉल्व करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट थी कि i की पावर n प्लस, अब देखा जाए तो एक एक पावर इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, प्लस i की पावर n + 2 एंड i की पावर n + 3, जी हाँ जी का। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जब पावर को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं तो i की पावर n + i की पावर n, फिर प्लस i की पावर n, i की पावर 2, फिर प्लस i की पावर n, i की पावर 3, ठीक है, अब ये आ जाएगा। उसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो पूरी की पूरी इक्वेशन के अंदर से i की पावर n कॉमन आ जाएगा। तो जब हम i की पावर n को कॉमन ले लेंगे, यानी i की पावर n कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से मेरे पास बच जाएगा बेसिकली 1, ठीक है, और यहां से बच जाएगा आयोटा, फिर यहां से बच जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहां से बच जाएगा आयोटा क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आयोटा की पावर एन हैज चीज आ जाएगा, फिर 1, फिर आयोटा एच चीज आ जाएगा, फिर आयोटा स्क्वायर की मैं वैल्यू पता है कितनी होती है, -1, फिर हम इसको सॉल्व कर ले तो मैं लिखूंगा आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, फिर जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो आयोटा एन, फिर 1 + iota - 1, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1, तो ये -iota आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम कैंसिलेशन कर लेते हैं, तो अगर देखा जाए तो -1 + 1 कट जाएगा, आयोटा -iota कट जाएगा, तो यहाँ पे 0 बच जाएगा, तो 0 को आई की पावर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो बेसिकली हमने क्वेश्चन नंबर 2 का प्रूफ कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर लिया। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2-3 की स्टेटमेंट को पढ़ा जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ x + iy, मीन अगर यहाँ पे जो x लिखा हुआ है रिप्रेजेंट कर रहा है रियल, एंड जो आयोटा वैल्यू लिखा हुआ शो कर रहा है आयोटा वाली वैल्यू इमेजिनरी को, कि हमने रियल पार्ट को अदा करना है और इमेजिनरी पार्ट को अदा करना है। अब इसके टोटल 4 पार्ट थे, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन था, उसमें एक आपको करा दूंगा, फिर थर्ड पार्ट करा दूंगा, फिर फोर्थ पार्ट करा दूंगा, ठीक है। तो पहले हम पार्ट नंबर 1 को कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे दरमियान में एक लाइन लगा लेता हूँ। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो आ जाएगा 1 + 3iota + 5 + 7iota, यहां तक करने के बाद रियल को रियल में ऐड करेंगे। अब रियल क्या है, 1 और 5 आर रियल, ठीक है, यानी ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये इमेजिनरी है और ये इमेजिनरी है। तो रियल को रियल में ऐड कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड कर देंगे। जब रियल को रियल में ऐड करेंगे तो 5 + 1 = 6 और 7 + 3 = 10iota, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करें तो अब हमारे पास मल्टीप्लाई का, पहले एडिशन का था, फिर अब मल्टीप्लाई का आ गया। तो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम इनमें क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 1 × 5 + 7iota, ठीक है, फिर 3iota को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा 5 + 7iota। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5 + 7iota, फिर 5 + 7 =
जब भी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा तो उसके अंदर रियल पार्ट भी होगा इमेजिनरी पार्ट भी होगा। जितने के जितने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हैं सारे के सारे रियल भी हैं और इमेजिनरी भी हैं, तो देन वी कॉल इट इज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर भी लिखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स और आयोटा वाई की फॉर्म में लिखना है, तो जब भी कोई क्वेश्चन डिनोमिनेटर के अंदर उसके आ जाएगा बेसिकली कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। मीन डिनोमिनेटर के अंदर अगर इमेजिनरी या पार्ट आ जाएगा तो हम उसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। मीन अगर लेट्स सपोज मेरे पास क्वेश्चन है 1/2, अब इसके डिवाइड में इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम इसकी रैशनलाइजेशन नहीं करेंगे। लेकिन अगर डिवाइड में इमेजिनरी पार्ट होता 2i होता, फिर हम इसकी रैशनलाइजेशन हार्ड सूरत में करते हैं। तो आप लोगों का काफी बच्चों का क्वेश्चन होगा कि रैशनलाइजेशन हम किस वजह से करते हैं, तो बेसिकली जब भी डिनोमिनेटर के अंदर इमेजिनरी पार्ट आ जाए तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखेंगे तो इसके अंदर इमेजिनरी पार्ट आ रहा है डिवाइड के अंदर, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू पड़ी है उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, इसके कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, ये कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, या साइन चेंज को भी लिख सकते हैं। अब जब इसको फर्दर करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा कि 1 + 3i, 5 + 7i मल्टीप्लाई 5 - 7i एंड 5 - 7i। जब इसको फर्दर करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो मैं डायरेक्ट को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो 1 को 5 से करूंगा तो 5, 1 को 7 से करूंगा तो 7i, 3 को 5 से करूंगा तो 15i। ठीक है, एंड ये देखा -21i का स्क्वायर। ठीक है, अगर नीचे देखा जाए तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये देखा जाए तो a + b a - b किसके कुल होता है बेसिकली a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर - 7i का स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा बेसिकली a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, जब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेसिकली, अगर देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 तो -, -+ तो ये हो जाएगा 20 + 21। यानी अगर मैं तरतीब करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5, 15 में से मैं अगर 7 निकालूँ तो मेरे पास कितना बचता है 8 + 8i + 21 / 5 2 = 25। ठीक है, फिर -49i का स्क्वायर ये आ जाएगा। ऊपर से मैं रियल पार्ट को अदा करूँ तो 21 + 5 कितना हो जाएगा 26 + 8i एंड डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो -1 + तो 25 में 49 में प्लस करूंगा, देखूंगा मेरे पास कितना आ जाएगा, तो आई थिंक सो ये आ जाएगा हमारे पास 74। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 74। तो रियल पार्ट को मैं अदा कर लूंगा तो 26/74 एंड 8/74 आयोटा। अब आप इसमें कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 13/2, 3 + 6 एंड 2 = 7 था, फिर प्लस 4/37i ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहले रेज कर लेता हूँ फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 ये देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ कि z1 की वैल्यू गिवन है, z2 की वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड करना है। तो क्वेश्चन के अंदर एरर आ रहा था, यहाँ पे बेसिकली 2 - a होता था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन ड्रा किया है तो ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को यूज करते हैं मैंने फाइंड करना। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। तो अगर मैं z1 की बात करूँ तो z1 स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, एक z1 और एक z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, ये चीज आपको समझ आ गई है। अगर हम बात करें तो बेसिकली ये जो लाइनें डाली हुई, ठीक है, अब इसको क्या पढ़ा जाता है,
तो बेसिकली जो दो लाइनें होती हैं इनको बोला जाता है मॉडुलस, ठीक है। मॉडुलस आ गया, अब आपके जहन में क्वेश्चन होता है कि मॉडुलस को फाइंड कैसे करते हैं। तो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो मैं बेसिक बता देता हूं कि लेट्स सपोज मेरे पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। अब मैंने मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस का सिंबल डाल दूंगा, तो जो भी हमारे पास अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का भी स्केयर आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट का भी स्केयर आ जाएगा। तो ये मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो हमारे पास मॉडुलस लिखा हुआ उसके अंदर मैंने जस्ट टू जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास जेड वन की कितनी वैल्यू है, टू माइनस आयोटा ब्रैकेट में, फिर प्लस जेड टू की कितनी वैल्यू है, वन प्लस आयोटा, फिर प्लस वन, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, जेड वन की वैल्यू जो क्या थी, टू माइनस आयोटा, फिर माइनस वन प्लस आयोटा, फिर प्लस वन, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे मैं लाइन लगा लेता हूं ताकि इसको फर्दर सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो टू माइनस आयोटा प्लस वन प्लस आयोटा प्लस वन, एंड डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ जाएगा, टू माइनस आयोटा, इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस वन माइनस आयोटा प्लस वन, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या आ जाएगा, देखा जाए तो हम कटिंग कर लेते हैं, किसी चीज की कैंसिलेशन तो नहीं होती, तो ये और ये हमारे पास कट जाएंगे, यहाँ पे बेसिकली माइनस वन प्लस वन कट जाएंगे, तो जो रिमेनिंग थिंग हमारे पास बच रही है वो क्या बच रही है हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। तो जो रिमेनिंग थिंग बच रही है वो हमारा बेसिकली यहाँ से बच रही है ऊपर से, टू प्लस वन कितना हो जाएगा फोर, और डिवाइड के अंदर टू माइनस टू आयोटा, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी, तो बेसिकली अगर ऊपर देखा जाए तो नीचे से हमारे पास टू कॉमन आता, तो टू कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, वन माइनस आयोटा, ठीक है, ये आ गया, टू वन द टू, टू टू द फोर, मेरे पास क्या बन जाएगा, टू डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा। तो बेसिकली हमने कहा था कि जब भी क्वेश्चन कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, यानी डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर मौजूद हो, पिछले पार्ट के अंदर भी डिस्कस किया था, हम इसकी रैशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन भी कैसे पॉसिबल होगी कि जो भी इंजर वैल्यूज के हम जो है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, टू प्लस टू आयोटा, नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी किसी को लगता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर विच इज इक्वल टू टू प्लस टू आयोटा वन प्लस वन, ये आ जाएगा। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टू प्लस टू आयोटा डिवाइडेड बाय टू, फिर अगर देखा जाए तो ऊपर टू कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा, तो टू टू से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास ब्रैकेट के अंदर खाली क्या बच गया वो लिख लेते हैं, तो मेरे पास जो ब्रैकेट के अंदर बच गया, मेरे पास बच गया क्या के वन प्लस आयोटा, ठीक है। अब मैं इसका मॉडुलस लेने जा रहा हूं, तो मॉडुलस क्या होता है कि रियल पार्ट का स्केयर, अब ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है मॉडुलस के, रियल पार्ट का स्केयर मीन एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, देखा जाए तो ये रियल पार्ट है तो एक्स, ये इमेजिनरी पार्ट है तो वाई, हमारे पास x की क्या वैल्यू आ रही है, 1 का स्क्वायर प्लस y भी कितना है, 1 का स्क्वायर, जब हम दोनों का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर जो है वो 4, तो उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो इसको मैं रिमूव कर लेता हूं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करें तो हमने फाइंड द मॉडुलस, हमने वापस इसका मॉडुलस फाइंड करना है, तो मॉडुलस मैंने पिछले भी आपको मतलब पिछले क्वेश्चन में बताया कि मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है कि z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, एक्स मीन रियल पार्ट एंड वाई मीन इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट होगा तो हम इसका क्या करेंगे वापस रैशनलाइजेशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां पर लिख लेता हूं, वन प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय वन माइनस आयोटा, फिर माइनस वन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय वन प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर लेता हूं, बेसिकली इसको मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो डिवाइड के अंदर एलसीएम क्या आ जाएगा, वन माइनस आयोटा एंड वन प्लस आयोटा, तो जब एलसीएम दो डिफरेंट थिंग का तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन प्लस आयोटा
वन प्लस आयोटा, दरमियान में माइनस, वन माइनस आयोटा, वन माइनस आयोटा, ठीक है। जब फर्दर करेंगे तो इन दोनों की बेसिस सेम थी, तो वन प्लस आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे भी वन माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। नीचे डिवाइड के अंदर वन माइनस आयोटा, वन प्लस आयोटा, ठीक है। आप फर्दर करते हैं तो बेसिकली इनका फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला क्या खोलेंगे कि देखा जाए तो ये इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो इनका फॉर्मूला अपन कर लूँ, दूसरा तरीका भी कर सकता हूँ जब मैं फॉर्मूला वाला करा दूंगा जो कि आपके जहन में रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको मैं अगर फॉर्मूला अपन करूँ तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस टू ए बी। ये मैंने प्लस वाला फॉर्मूला खोल दिया, फिर इसके अंदर माइनस वाला, तो माइनस वाला फॉर्मूला खोल लेते हैं जो कि आ जाएगा ए का स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। डिवाइड के अंदर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, वन का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। जब इसको फर्दर ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां पे आयोटा स्क्वायर उस जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, माइनस वन, ये आ जाएगा, फिर माइनस वन माइनस वन माइनस टू आयोटा, एंड डिवाइड के अंदर फिर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो वन प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वन और वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से भी वन और वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर बच रहा है टू आई ओटा, ठीक है, माइनस माइनस टू आई ओटा, फिर डिवाइड में टू। जब फर्दर करेंगे तो टू आई ओटा, ये माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस टू आई ओटा डिवाइड बाई टू, विच इज इक्वल टू फोर डिवाइड बाई टू आई ओटा, विच विल बिकम टू आई ओटा। तो बेसिकली जो इसका रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, टू आई ओटा आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट टू आयोटा आ गया। अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को वापस पढ़ें तो ये तो हमने सिंप्लीफाई किया था, उसके अंदर लिखा था मॉडुलस फाइंड करना है। तो बेसिकली अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर देखूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास आ रहा है जीरो, रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट टू आयोटा आ रहा है, तो मैं इसका मॉडुलस ले लूंगा। तो मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मीन जीरो का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट फोर, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू। तो इस क्वेश्चन का मॉडुलस कितना आ रहा था, टू। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो उससे पहले मैं इसको रिमूव कर लेता हूं। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बेसिकली चैप्टर में वन नंबर सिस्टम के रिव्यू एक्सरसाइज को डील किया, जिसके अंदर हमने एमसीक्यूज के पोर्शन को पहले कवर कर चुके थे। तो आज की वीडियो के अंदर हम फर्दर जो उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं उनको कवर किया। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज़।